हेलो फ्रेंड्स, मसूरी की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम आपको माल रोड दिखा रहे हैं। और जब आप मसूरी आओगे तो आपको माल रोड पर ही सबसे पहले आना होगा, क्योंकि बस भी हमें इसी के पास उतारती है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, जब मैं गया था यह रोड जो है साइड से हल्का सा टूटा हुआ था पूरा लास्ट तक, और बीच में भी चटका हुआ था रोड। अगर अब इस पर काम चल रहा है तो ये अच्छा हो जाएगा। पहले मुझे लगा था कि इतना फेमस जगह है और उसके बाद भी यह रोड टूटा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप इस रोड पर घूमोगे तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देगा मसूरी का। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी यहाँ पर पूरा मसूरी देखना चाहता था, इसलिए मैं गन हिल पॉइंट जाऊँगा इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं वहीं गया था। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं कुछ अच्छे अच्छे व्यूज। अगर आप नहीं आए हो तो आप यहाँ पर आइए और घूमिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम गन हिल पॉइंट जाएंगे सबसे पहले और आपको दिखाएंगे कुछ व्यूज। और वहाँ से जो है हिमालय दिखाई देता है, तो वहाँ पर बहुत सारे व्यू पॉइंट बने हुए हैं जिन पे आप अलग अलग जाके फ़ोटो क्लिक करा सकते हो और कुछ अपने फ़ोन से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो आपको अच्छे अच्छे व्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी मसूरी नहीं आए तो एक बार आइए और यहाँ पर घूमिए। दोस्तों, यह जगह इतनी अच्छी है कि अगर आपको पहाड़, बड़े बड़े पेड़ और देखना पसंद है और अच्छा लगता है ऐसी जगह फ़ोटो क्लिक कराना, वीडियो बनाना, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए और घूमिए। दोस्तों, ये गन हिल पॉइंट है। अब हम जो है इसमें बैठ चुके हैं, तो पूरी वीडियो में इसमें जल्दी जल्दी बना रहा हूँ जिससे कि आपको छोटी सी वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखा सकूँ। दोस्तों, जब मैं इसमें बैठा था मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं कभी भी किसी झूले में नहीं झूलता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो, क्योंकि इसमें और जो झूले होते हैं वो हिलते बहुत हैं, ये इतना नहीं हिलता। तो इसमें मुझे पहले शुरुआत में काफ़ी डर लग रहा था, बाद में मुझे डर नहीं लगा। ये भी काफ़ी ऊँचाई तक जाता है, अगर कोई इसमें गड़बड़ हो जाती है तो ख़तरा तो है ही, मगर फिर भी मैं इसमें बैठा था क्योंकि मुझे इसमें बैठना था। तो मेरे साथ इसमें एक मेरा फ्रेंड भी है, हम दो ही लोग गए थे मसूरी घूमने। दोस्तों, आप जब इसमें बैठोगे तो आपको इसमें बैठे हुए भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखाई देंगे, साइड में पहाड़ और दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं। दोस्तों, जब मैं इसमें वीडियो बना रहा था तो लोग अजीब अजीब तरीके से देखते ही हैं जब कोई वीडियो बनाता है, व्लॉग बनाता है, मगर थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है इन चीज़ों से और घबराहट होती है अंदर से, क्योंकि मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाता इतने। दोस्तों, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा ही लगेगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर क्या क्या व्यूज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कैसे पेड़ हैं। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा घूमा भी नहीं हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से आने का, क्योंकि मुझे और घूमना था। दोस्तों, बस हम पहुँचने ही वाले हैं, और जिस समय हम पहुँचने वाले थे उस समय और मुझे डर लग रहा था कि इसके बाद कहीं ये ज़्यादा हिलने तो नहीं लगेगा, मगर थोड़ा बैलेंस अगर बनाए रखते हैं इसके अंदर बैठे हुए, ज़्यादा नहीं हिलते लोग तो ये नहीं हिलेगा। तो जब हम आए थे तो उस समय दो लोग ही थे हम, मैं और मेरा फ्रेंड, तो उस समय हमें आमने सामने बैठाया गया था और हम बिल्कुल भी हिले नहीं थे, जिससे कि हमें पहले डर लग रहा था इसमें बैठने से। तो जो लोग बैठ चुके हैं उन्हें नहीं लगता, पर मुझे लग रहा था, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको।
दोस्तों मैं और मेरे फ्रेंड हम पहुंच गए हैं, और जैसे कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर जब हम उतरे थे तो हमें सिर्फ साइडों में और कुछ नज़र नहीं आया ज़्यादा ख़ास। हाँ, दुकानें सी नज़र आई जो अलग अलग बनी हुई हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारे पास आओ, ये करो वो करो, पता नहीं जो भी यहाँ होता होगा। गन हिल पॉइंट है ये, तो इसमें जो है हम सीधे वहाँ गए थे जो व्यूज होते हैं जहाँ से हम पहाड़ देख सकते हैं। तो दोस्तों एक जगह इसमें ऐसी है जहाँ से हिमालय भी नज़र आता है, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, तो आप भी देखिएगा जब आओगे। यहाँ पर एक मंदिर भी है, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप शनिदेव मंदिर है यहाँ पे। मैं इसमें तो नहीं गया था क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी में भी था और मुझे यहाँ से जल्दी जाना भी था। और यहाँ कुछ ऐसा ख़ास कुछ मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा देखने को। यहाँ ये हिमालय व्यू है, तो मैं पहले यहीं गया था। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, उस सामने जो है वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा वो हिमालय है। और जब मैं आया मुझे काफ़ी अच्छा नज़ारा लगा यहाँ का देखने का, और दो दूर तक पहाड़ी पहाड़ और आसमान भी नीला नीला नज़र आ रहा था। आप देख सकते हो सामने हिमालय है। तो ये हिमालय का जो व्यू पॉइंट है, मैं यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक गया था जहाँ पर जाके फ़ोटो क्लिक कराते हैं लोग।